the stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Hey everyone, namaste and welcome to my channel. So, आज मैं start कर रही हूँ deep cleaning of this bedroom. So, basically, जब से मैं आई हूँ तब से मैंने इस room की जो होती है ना deep cleaning वो मैंने नहीं करी है. I literally have to declutter my makeup stuff because बहुत ज़्यादा stuff in हो गई हैं चीज़ें. एंड इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो मैं एक्चुअली यूज़ नहीं करती हूँ. सो मुझे वो सब डीक्लटर करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. उसके बाद आई हैव टू डीप क्लीन ऑल दीज जो ये है ना जो ये बेड साइड टेबल्स हैं इनको. उसके बाद आई हैव टू ऑर्गेनाइज दिस बिकॉज अभी इस टाइम पे जैसे तैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया था लेकिन अभी मुझे इनको थोड़ा रीअरेंज करना है, थोड़ा सॉर्ट करना है, थोड़ी जगह बनानी है, थोड़ा रीसेट करना है इस रूम को. बिकॉज जब ये ऑर्गेनाइज नहीं रहता है ना तो मेरा दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है. मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता है कि मुझे इसको क्लीन करना है, क्लीन करना है, क्लीन करना है. तो बहुत सारी तो चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं वो मैं निकाल दूंगी, और जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ और कम से कम मतलब अभी भी मेरे पास सिर्फ 6 फाउंडेशंस बचे हुए हैं जहाँ मैं 15 यूज़ करती थी. यूज़ तो अभी भी मैं खैर बिल्कुल बहुत ही कम पे आ गई हूँ, तो मैं 2 या 3 फाउंडेशंस रखने वाली हूँ, बाकी सब निकाल दूंगी. तो ऐसे मैं थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ. सो यस लेट स्टार्ट. तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज वीडियो का काम था, वीडियो एडिटिंग वगैरह मुझे करनी थी. तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे डीप क्लीनिंग एंड इट माइट पॉसिबल कि कल तक हम इसको एक्सटेंड करें. तो यस विदाउट फर्दर अडू लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. Even ye video बनाते टाइम मैं खुद ये सोच रही हूँ कि मैंने इतने सारे पॉकेट परफ्यूम्स क्यों लिए थे, और अगर लिए थे तो इनको यूज़ क्यों नहीं किया था. बिकॉज़ ये सारे परफ्यूम्स जो है ना, पॉकेट परफ्यूम्स, ये सब एक्सपायर हो चुके हैं. तो ना तो मैं यूज़ कर पाई, ना मैंने किसी और को यूज़ करने के लिए दिया. सच अ बैड थिंग. ये जितने भी मल्टीपर्पज़ पैलेट्स हैं ना, इनको भी मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएंगी, बट इनको ना फेंकने का या डिक्लटर करने का मन नहीं करता है क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बहुत अपना यू नो अमाउंट जोड़ जोड़ करके परचेस किया है. आई नो थोड़ी सी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है, बट हाँ, लेकिन अब मैं फिर भी कैसे भी करके इन सबको डिक्लटर करूँगी. बहुत सारी नेल पेंट मेरे पास इकट्ठी हो गई थी क्योंकि नेल पेंट इतनी लगाती नहीं हूँ मैं. वही अपनी गिनती के 3 शेड्स हैं मेरे, मैं वही शेड्स लगाती हूँ. बट फिर भी जो नेल पेंट ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, जो बिल्कुल ड्राइड अप नहीं हुए, वो मैंने रख लिया है. एंड मैं थोड़ा अपने जो लगाते हैं इस तरीके शेड्स उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. तो यस, नेल पेंट वाला सेक्शन रख लिया है. एंड उसके बाद आई हैव लिटरली लॉट ऑफ ज्वेलरीज, लाइक इतनी सारी ज्वेलरी आप लोगों ने देखा होगा. मैं शायद अपने वीडियोज़ में भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ मैं. इनफैक्ट वीडियो बनाती हूँ ना तब भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ. इतनी ज्वेलरीज निकली थी मेरे पास, एंड थैंक यू जो लोग मुझे सेंड करते हैं उनका. लेकिन इस तरीके की ज्वेलरी मैं पहनती नहीं हूँ एट दी एंड. तो मैं ये सोच रही हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में लिटरली चल रही थी और वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊँगी. बट वही अभी मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ कि कौन सी एकदम नई है, कुछ तो ऐसी जिनको मैंने पहना ही नहीं है कभी भी, और कौन सी मैं पहनने वाली हूँ वो सब मैं अलग रख रही हूँ, और जो मैं नहीं पहनने वाली हूँ कभी भी वो सब मैं अलग रख रही हूँ. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. In the middle of this process, मैंने जो stories होती है ना update करती हूँ मैं कि अभी मैं ये कर रही हूँ, ये सब jewelry, ये makeup brushes and फलाना and ढिमकाना. एंड इतने सारे लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया. बहुत मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनने कुछ आइडिया भी दिए क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगा कि मैं इस फेवर में नहीं हूँ यूज्ड चीज़ों को सेल करने के प्रोसेस में. मुझे ये थोड़ा सा मतलब अंदर से ना ऐसे गिल्ट वाला चीज़ आता है
कि मैं किसी को यूज़ की हुई चीज़ें दे रही हूँ और उसका पैसा ले रही हूँ, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है. एंड आई गॉट लॉट ऑफ ग्रेट सोल्यूशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नीडी लोग होते हैं उनको ये मेकअप ब्रशेस की एंड फैंसी जो क्लोथ्स होते हैं, जो वन पीस होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है. और मैं इनको अफोर्डेबल प्राइजेज में, और डेफिनेटली ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. सपोज एक कोई ब्रांड के साथ मैंने कोलैबोरेट किया है तो वो कोई एक ही पीस मुझे नहीं देते हैं, वो उसके रेंज के मेरे को काफ़ी सारे चीज़ देते हैं. तो यूज़ तो मैं एक ही चीज़ कर रही होती हूँ, वो पाँच चीज़ें तो मैं नहीं यूज़ कर रही होती हूँ. तो अभी तक तो मैं डिस्ट्रीब्यूट ही करती आ रही थी, 3 साल तक मैं भर भर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी. एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर, अब दो तरीके हैं. एक तो आई कैन डू दिस कि मैं इनको कम रेंज में, जैसे कम प्राइस में, कोई चीज़ अगर 600 की है तो मैं उसको 250 रुपये में निकाल दूँ ऑनलाइन, ठीक है. और उसका जो भी अमाउंट मेरे पास टोटल आता है वो मैं अपने पास नहीं रखूँगी, या तो किसी को डोनेट कर देंगे, किसी को खाना खिला देंगे, अनाथ आश्रम में जा कर के जो ऑर्फनेज होते हैं वहाँ पर कुछ कोलैबोरेट कर लूँगी उन लोगों के साथ, एनजीओ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, मतलब कुछ ऐसी अच्छे कॉज में ही उसको लगाया जाएगा. क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी कितना ही अमाउंट आएगा, 2,000, 2,500, 3,000, उसका मैं मतलब एक बात बता रही हूँ कि मैं क्या कर लूँगी और मेरा कौन सा बहुत वो हो जाएगा. तो क्योंकि आप लोग उस चीज़ को अगर परचेस करते हो, रीपर्चेस करते हो वो सारा सामान, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यू नो यूज़ दोज अमाउंट इन अ नोबल कॉज. तो फिर भी मेरे दिमाग में से थॉट, गिल्ट थॉट आ रहा था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही. पहले मैंने विक्की को बताया तो विक्की कहता है गो फॉर इट, इट्स अ गुड थिंग, कर सकते हैं ऐसा. क्योंकि एक्चुअली में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा अभी जो वार्डरोब है, जब मैं इसको डिक्लटर करना स्टार्ट करूँगी ना, तो मेरा वार्डरोब ओवरफ्लो हो रहा है. मेरे बेड बॉक्स में भी कपड़े भरे हुए हैं. तो टी शर्ट्स हो गए और जो नॉर्मल सूट वगैरह हो गए, वो तो मैं खैर दे ही देती हूँ, डोनेट कर देती हूँ. ऐसा करने में भी कोई बुराई नहीं है कि इनडायरेक्टली वो जो पैसा है वो उन्हीं के कॉज में जा रहा है, वो नीडी पीपल के कॉज में ही जाएगा. तो मैं बहुत कंफ्यूजन स्टेट में थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे जस्ट पोल डाला है, तो काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है. मतलब मोस्टली तो 80% लोग इंटरेस्टेड ही हैं. कुछ जैसे अब किसी किसी का क्या हो रहा था ना, गलती से नो क्लिक हो जा रहा था, तो मैं चेक भी कर रही हूँ कि नो में कौन कौन बंदे हैं. अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं जानती हूँ तो मैं उसको पर्सनली मैसेज करके पूछ रही हूँ कि अपना सजेशन बताओ, क्योंकि मैं शायद, हो सकता है आप कोई दूसरा तरीका सोच पा रहे हो और मैं वो सोच नहीं पा रही हूँ, तो मुझे पता चल जाए. मतलब कोई बुराई नहीं है डिस्कस करने में. मैंने उनसे पूछा भी तो एक दो लोगों ने ये बोला है कि यूज्ड किसी को हेल्प करना, मतलब वही है जो मेरा पहले थॉट था कि भाई यूज्ड सामान किसी को नहीं देना चाहिए, इट्स बेटर टू डोनेट रैदर देन सेल, करने से बेटर है. बट हाँ, मुझे ये लॉजिक भी सही लगता है कि एक्चुअली में ये सब इतनी फैंसी बोहो ज्वेलरी और ये सब कौन पहनेगा, कौन यूज़ करने वाला है. तो मैं यही सोच रही हूँ कि आई एम गोइंग टू सेल ऑल दीज प्रोडक्ट्स. आप मुझे बताओ कि क्या लगता है आप लोगों को, डू यू रियली थिंक कि ये सही चीज़ है. वैसे मेरे को अभी तक मुझे ठीक लग रहा है एंड काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं. तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैंने वार्डरोब डीक्लटरिंग स्टार्ट नहीं करी, अभी तो सिर्फ ये जो मेरा मेकअप वाला है वो ही करना स्टार्ट कर दिया है. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोर बना दूंगी, थ्रिफ्ट स्टोर, जिसमें बहुत ही नॉमिनल, हाँ, शिपिंग चार्जेस मैं लूँगी, क्योंकि पैकिंग मैं खुद करने वाली हूँ, जिसकी मेहनत का पैसा मैं नहीं लेने वाली हूँ, सिर्फ शिपिंग चार्जेस, क्योंकि मुझे देना पड़ेगा, तो वो शिपिंग चार्जेस जो परचेस कर रहा है बंदा वो बियर करेगा. बाकी मैं नॉमिनल चार्जेस पे जो ये भी चीज़ें हैं वो सेल करूँगी. एंड इफ़ यू गाइज वुड बी इंटरेस्टेड, डू लेट मी नो, थोड़ा आप मुझे बताओ, सजेशंस दो अच्छे. तो अभी बीच में मैं खाना वाना खा करके आ चुकी हूँ, वैसे वापस से स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस. ओके गाइज, तो जो भी सारा सामान है वो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है. मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो ये इतना जो ड्रेसिंग एरिया है वो डीक्लटर हो चुका है. तो यहाँ मैंने कुछ अपने फेवरेट, सिर्फ जो थोड़े बहुत परफ्यूम्स हैं वो रखे हैं, बाकी मैंने पुराने सारे डीओ हटा दिए हैं. तो अब इसमें से मैं आपको टॉप 5 अपने बताती हूँ कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. अजमल का विसल दहाब. अभी तक जितने भी फ्रेग्रेंस हैं उसमें अगर कोई मुझे बोलेगा कि एक आपको कोई परफ्यूम सिलेक्ट करना है तो मैं ये सिलेक्ट करूँगी. इनफैक्ट मैं जब इसको लगा करके अभी अपने चाची के घर भी गई थी तो दे वर ऑल लाइक वाओ, आपने क्या लगाया, क्या लगाया, इतनी अच्छी, जैसे ही अंदर एंटर हुए बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी. तो ये ऊद मैंने पहले भी बताया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. उस पे आते हैं, ये है अगेन अजमल का परफ्यूम है, दिस इज शीरो परफ्यूम. सो बेसिकली ये मेरा नहीं है, दिस इज ये टीनू का है, वो भी आएगी तब लेकर के जाएगी. बट मैंने इसको यूज़ किया है एक आध बार एंड इतनी अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी, लीजिए. तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये है, बट मुझे ऊद ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैंने शादी में, पूरी शादी में यूज़ किया है, वो है ये
अजमल का अरहीठा फ्लावर प्लस फ्रूटी मिक्स फ्रेश एकदम, मतलब आप लगाओ कितना आपको खुद में एकदम फ्रेश फील होने लगेगा, इसकी वैसी फ्रेग्रेंस आती है। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक, मुझे ऐसा लगता है कोई परफ्यूम जो मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है तो वो ये है। हाँ, जब मैं फ्रेश फ्लावर्स अपने घर में लगाती हूँ तो जैसे घर में गुस्से से बहुत अच्छी सूदिंग सी फ्रेग्रेंस नहीं आती है, वैसी इसमें से फ्रेग्रेंस आती है। तो ये मेरा फेवरेट है। एंड आप देखो कि इतना ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि पूरी शादी में मैंने लहंगे पे सब पे यही लगाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट मुझे परफ्यूम पसंद है वो है यर्न। सो ये अगेन अजमल का ही है, इसकी यूनिसेक्स काइंड ऑफ है, मतलब ये विक्की ने भी लगाया हुआ है। एक तो मुझे परफ्यूम एक्सप्लेन करना नहीं आता, इमेजिन। उसके बाद जो फिफ्थ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अभी रिसेंटली जो आया है वो है ये मामाअर्थ का एमी परफ्यूम। ये भी बहुत अच्छा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो रखे हुए ना बाकी मेरे पास, विक्टोरिया सीक्रेट, नायका, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ये जितने भी परफ्यूम्स रखे हुए हैं और भी, ये उतना स्टे लंबा नहीं करते हैं। जो मैं पांच आपको परफ्यूम बता रही हूँ ये सब लॉन्ग लास्टिंग है। आप जब तक उस क्लोथ को वॉश नहीं कर दोगे तब तक उनमें से वो फ्रेग्रेंस नहीं जाने वाली, सुबह से शाम तक तो छोड़ ही दो। मेरा कंप्लेंट यही होता था क्योंकि मैंने सब तरीके के परफ्यूम यूज़ कर चुकी हूँ। आप सोचो मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, ये गुची भाई साहब भी पड़े हुए हैं, बट ये सब उतना स्टे नहीं करते हैं जितने ये परफ्यूम स्टे करते हैं। अजमल के तो भाई अमेजिंग है, और उनकी टक्कर का अगर कोई नेक्स्ट है ना तो वो ये मामाअर्थ का। मामाअर्थ ने बहुत ही जोरदार चीज़ लॉन्च करी है इस बार। ओके, तो ये जो लिपस्टिक्स हैं वो अभी डिक्लटर मैंने नहीं किया है, देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट खाली कर दी है, मतलब इतना खाली तो ये कभी भी नहीं रहता है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सारा मेरा मेकअप का जो सामान है फेस का एंड आई मेकअप का, वो सब यहाँ पर आ चुका है इतनी जगह पर। उसके बाद नीचे वाला ड्रॉर ओपन करते हैं, ज्वेलरी का बॉक्स है वो मैंने यहाँ पर फिट इन कर दिया है, जो फेस मास्क है वो मैंने यहाँ रख दिए, तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। तो वैसे मिसलेनियस रैंडम सामान होता है वो रखा है, इतना यहाँ पे पांच चीज़ें रखी हुई हैं। नाउ ये जो सामान है वही सेल करने वाला सामान मैंने सारा इसमें रख दिया है। ये शेल्फ खाली हो गया है, ये वाला शेल्फ है ये भी मैं खाली कर दूंगी क्योंकि मैं बैग्स भी बहुत सारे अपने सेल पे लगा दूंगी। जो पीआर का सामान है वो रखा हुआ है जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है। तो अब जो बाकी की, अभी मुझे और भी चीज़ें डीक्लटर करना है, तो वो जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं कल करूंगी बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजा है सुबह के 9:13, टाइम दिख रहा है 9:14 हो गया है। तो मैं जाती हूँ 9:30 or 9:35 पे ऊपर रोटियाँ बनाने के लिए, तो अभी हमारे पास 15 मिनट है। तो मैं सोच रही हूँ 15 मिनट वेस्ट ना किया जाए और ये जो थर्ड वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है जिसमें मैं अपने सारे गैजेट्स रखती हूँ उसको ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो ये हमारा ऑर्गेनाइज हो चुका है लाइक दैट, और बिल्कुल खाली खाली रखा है मैंने। यहाँ पर मैं अपना बड़ा वाला कैमरा रखती हूँ जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ। ये मेरा G7X उसका कवर है, उसके अंदर ही रख दूँगी वैसे तो। और कुछ एक आध डायरी है, चार्जर, सम बैटरीज, एक्स्ट्रा बैटरीज, और या दैट्स इट। नाउ दिस हैज़ बिकम अवर मेडिसिन बॉक्स। इसमें बिल्कुल नॉर्मल सी जो मेडिसिन हैं वो सब रखी हुई हैं। यहाँ पर एकदम बेसिक सा स्टफ मैंने रख दिया है। लास्ट वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, इसमें आई कीप ऑल माय अंडरगारमेंट्स जो बाहर पहनने वाले होते हैं। आई एम गोइंग टू डीक्लटर सम ऑफ देम। आई वॉच यू एज यू ट्राई, डू यू नो आई एम लुकिंग एंड आई कांट हेल्प बट स्माइल। Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feel. Okay guys, so मेरा शारवार सब कुछ हो गया है, लंच हो गया है, और अब मेरा जो बेडरूम है वो भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से डीप क्लीन हो चुका है। पहले मेरे पास एक पार्सल आया है तो उसको ओपन कर लेते हैं।
तो ये एक टाइप का गिफ्ट आप बोल सकते हो, बर्थडे प्री गिफ्ट आ गया था। मतलब मैं उसको ऐसे ही कंसिडर कर रही थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया जब मैंने इसको ओपन करके देखा। तो ये एक ब्रांड की तरफ से मुझे उनका नया लॉन्च है वो आया है, दिस इज़ अ स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, इंडस वैली वालों ने सेंड किया है। तो मैं इसका जो इन डेप्थ रिव्यू है कि मुझे कैसी लगी, बिकॉज काफ़ी सारे ब्रांड्स की ऑलरेडी स्टेनलेस स्टील जो कढ़ाइयाँ हैं वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं इसको यूज़ करूँगी, अच्छे से देखूँगी और फिर आप लोगों को रिव्यू दूँगी कि कैसी है क्या है। ओके गाइस, तो कुकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं लोहड़ी सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, तो अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। विक्की की एक्चुअली कॉल्स है बैक टू बैक, वो बड़ा मिस कर रहा है, और मेरे यहाँ वहाँ चाची के हाथ के छोले भटूरे मेरे फेवरेट होते हैं, तो मैं इसलिए भी जा रही हूँ, मैं वहीं जा करके खाना खाऊंगी। जैसे ही मेरी मम्मी ने बोला कि वहाँ पर छोले भटूरे बन रहे हैं, मैंने उनको बोला मैं वहीं खाना खाने वाली हूँ, मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगी। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं मेरी चाची के घर पे और ये रहे पापा। हैप्पी लोहड़ी। हेलो, हैप्पी लोहड़ी। रुचि, हाय, हैप्पी लोहड़ी। हां, बल्ले बल्ले, अरे हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, बल्ले बल्ले। नहीं ये नहीं है, उंगली कट बोल रहा है कि नहीं, दोनों बहने लग रही हो, देवरानी जेठानी नहीं लग रही। हाँ। खाली सड़क पर ठोक के चले गए। मैं तेरे को लेके चलता हूँ, तू मेरे साथ बैठ। चलो भाई चलते हैं। मैं बैठ गया उसके साथ, मैं पीछे से फोन नेविगेट करके बता रहा हूँ कि हाँ राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। भाई को पता नहीं क्या लगा कि सामने कोई दिख नहीं रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो चलो गिर जाते हैं। गिरा दिया। खाली पक्की रोड पे, पक्की रोड, ना गड्ढा, ना कुत्ता, ना गाड़ी, ना आगे पीछे कोई, ना हवा तेज, और गाड़ी की स्पीड भी 30। हम फेमस भी नहीं है, और हम तो फेमस भी नहीं है। दो फुद्दू आए, खाली सड़क में गिर गए। बाहर लोग खड़े थे, उठाने नहीं आए हमको, भैया उठ जाओ। ओके गाइस, सो आई एम बैक एंड फिनिशिंग दिस व्लॉग हियर। दिस इज आर फर्स्ट लोहड़ी जो हमने इस तरीके से सेलिब्रेट करी है, तो बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था, सब वहाँ पर थे। तो एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप रियली लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।